हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग जरूर करते होंगे और मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वहां से प्रॉफिट नहीं बना पाते। प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां से प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता, प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक जबरदस्त इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, जो कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट को इस्तेमाल करते हुए यूज कर सकते हैं। और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, अभी हम स्पेशली बैंक निफ्टी में बताने जा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता, अच्छा लगता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम निफ्टी के लिए भी फॉर्म करेंगे। तो चलिए इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम सीखते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए। अगर आप यहाँ पे चार्ट को देखो, ये आपका बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, जिसके बेसिस पे आसानी से हम इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, कुछ पॉइंट के बेसिस पे इनिशिएट करेंगे, ऐसे ही हम तुक्का लगा के इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम चार्ट पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पे हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा, उसमें से जो भी सूटेबल ऑप्शंस हमारे सामने आएगा उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है चार्ट पैटर्न। दूसरा ऑप्शन है कि हमारे सामने एक क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का होना जरूरी है, मतलब ये आपका कंपलसरी पॉइंट है, जो भी आप यूज करो उसके साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट है कि प्रीवियस डे के हाई एंड लो को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, प्रीवियस डे का जो हाई एंड लो है वो हमारे लिए सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन भी देखने की जरूरत है। विदाउट ऑप्शन चेन अगर हम ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट करते हैं तो ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल कम हो सकता है, लेकिन ऑप्शन चेन का भी हमें मदद कब लेना होगा, हमेशा ऑप्शन चेन हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं देता है। और फिफ्थ पॉइंट, हम यहाँ पे इंडिकेटर का भी हेल्प लेंगे, लेकिन इंडिकेटर के हेल्प के बेसिस पे जो हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि मल्टीपल इंडिकेटर है, किसका कहाँ पे इस्तेमाल करना उसके बारे में समझ आना चाहिए। तो इसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, इसके ऊपर हमारा सेपरेट वीडियो आएगा। और आज हम इस वीडियो में इस चार ऑप्शंस में भी जो भी सूटेबल ऑप्शंस हमारे सामने होगा उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। तो चलिए इसको हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम आज यानी 6 ऑफ दिसंबर से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, प्राइस आपका यहाँ पे गैप डाउन लिया है, उसके बाद जबरदस्त यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिला उम्मीद के अकॉर्डिंग, और प्राइस आपका यहाँ पे जो हाई का फॉर्मेशन किया है वो आपका 43,300 करीब हाई का फॉर्मेशन किया है। और अगर आप ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना चाहते हैं तो आपको मार्केट ओपन होने से पहले भी कुछ तैयारी करने की जरूरत होगी, आपको ऑप्शन चेन चार्ट पैटर्न देखने की जरूरत होगी। जैसे हमने क्या देखा कि आज का हाई बना 43,300 करीब, तो हमें यहाँ पे माइंड में स्ट्रक करना चाहिए कि ऑप्शन चेन पे अगर हम बात करें, ये लेवल आपका एक क्रूशियल लेवल के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की मदद लेते हैं तो। सबसे पहले यहाँ पे हम ऑप्शन चेन की मदद से देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं तो अभी जो यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा 43,200 लेवल पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में देखते हैं तो 43,300 का जो लेवल है वो हमारे लिए क्रूशियल रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था। अब ये जो लेवल रेसिस्टेंस बना है, अब यहाँ पे क्या काम हो सकता है, दो ही काम हो सकता है जब प्राइस इसके करीब आएगा, तो सबसे पहला है कि रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है कि प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम कोई भी प्रिजम्पशन नहीं करेंगे, हम दोनों कंडीशंस के लिए तैयार रखेंगे, लेकिन स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है तो सबसे पहले हम ए वाले ऑप्शन के लिए अपने आप को रेडी करेंगे। तो वापस से हम चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेंज हमें इंडिकेशन तो मिल ही चुका है। अब यहाँ पे जो हम ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट करें किसके बेसिस पे, ऑप्शन चेन के बेसिस पे, तो हमारे सामने ऑप्शन चेन आ गया। अब ऑप्शन चेन के बेसिस पर हमें क्या पता चल गया, जो एक कंडीशन था सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, उसका आइडिया यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिख गया। अब देखिए, अब यहाँ पे भी वही काम हो सकता है, आइदर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए या फिर यहाँ से रिवर्सल ले ले। सबसे पहले रिवर्सल के लिए जाते हैं, तो अगर यहाँ पे रिवर्सल दिखाएगा दैट मीन्स टू इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और रिस्पेक्ट करे या नहीं करे उसके लिए क्या देखना होगा,
कि वापस से प्राइस अगर इसके करीब आता है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है। वापस से प्राइस आपका 43,300 करीब आया और यहाँ पे लॉन्ग टेल एट द टॉप बनाया, डेट मीन्स टू यहाँ पे बायर्स में कमजोरी देखने को मिला, एक और कैंडल सेम बिहेवियर को फॉर्मेशन किया, मतलब यहाँ पे हमें अब कंफर्म हो गया कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाने वाला नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन क्लोज हो गया। अब हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा और इस रिवर्सल के लिए हमें वेट करना होगा। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल क्लोजिंग दिया, इस कैंडल के आसपास सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, ये पॉइंट एसएल के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा और इसका लोएस्ट पॉइंट टारगेट के रूप में काम करेगा। क्यों टारगेट के रूप में काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे पहले भी बायर्स एंट्री करते हुए दिखे हैं, तो वापस से अगर इस लेवल करीब आता है तो बायर्स एंट्री कर सकते हैं, इसलिए इस लेवल के आसपास हम क्या करेंगे अपना टारगेट प्राइस रखेंगे। और वापस से प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा और जैसे यहाँ पे आपका बायर्स का इनिशिएशन हुआ हम इसी लेवल पे एग्जिट कर जाएंगे, यानी यहाँ पे जो हम सेल साइड की तरफ जा रहे हैं वो आपका 43,250 के आसपास सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 43,100 के आसपास अपना टारगेट प्राइस रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए उसी के आसपास हमें बायर्स में फिर मजबूती दिखा, स्ट्रेंथ दिखा, तो यहीं पर हम निकल जाएंगे लगभग 43,150 के आसपास। एनी हाउ यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिलता हुआ दिख जाएगा। इसके बेसिस पे आप चाहो तो 43,300 के पुट ऑप्शंस को भी बाय करके ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। तो ऐसे हम ऑप्शन चेन की मदद से ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में। उसके बाद यहाँ पे हम आगे देखना चाहेंगे और आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में डिटेल से स्टडी करना या फिर चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल से स्टडी करना तो उसके ऊपर हमने एक स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया कि आप एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाते हुए अपना ट्रेडिंग डिसीजन खुद से ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जरूर विजिट कर लीजिए और अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने दूसरा एग्जांपल आ गया है। अब हमें पहले से यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेना, हमें देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन होने के बाद बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखे हैं। उसके बाद प्राइस आपका इस लेवल के आसपास हाई बना है और अगला कैंडल भी इसी लेवल के आसपास हाई बना है, मतलब दो कैंडल आपका सेम लेवल के आसपास हाई बना है, मतलब कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस है उस लेवल में। यहाँ पे जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या पता चला है कि प्रीवियस डे का जो लोएस्ट पॉइंट है वो इसके आसपास है, मतलब यहाँ पे जो प्रीवियस डे का लो है वो क्या काम कर रहा है, रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है अगर हम इस दो कैंडल की बात माने तो। लेकिन हम इस दो कैंडल के भरोसे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे, हमें चाहिए कंफर्मेशन। उसके बाद वापस से प्राइस आया और देखिए लॉन्ग टेल लैडर टॉप, मतलब ये लेवल वाकई रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा, हमें कंफर्मेशन मिल गया। तो जैसे ही प्राइस आपका नीचे आने लग गया इसी लेवल के आसपास हम सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। ये जो पॉइंट है इससे स्लाइटली ऊपर या फिर यहाँ पे भी आप एसएल रख सकते हैं। देखिए प्राइस ऊपर आया लेकिन इस पॉइंट को हिट नहीं किया, हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, फिर ऑल द वे प्राइस आपका थोड़ा सा वेट करने के बाद ही नीचे गया है, लेकिन अल्टीमेटली नीचे जाके आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि क्या फैक्टर हमारे काम में आ रहा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ऑप्शन चेन हमारे लिए काम में आ रहा, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रीवियस डे का लो हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा, तो उसके फैक्टर उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर ले। यानी हमारा मेन मोटो क्या है, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना जो कि काफी हद तक स्ट्रांग हो। ऐसे हम कोई मनगढ़ंत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे हम और पीछे साइड की तरफ आना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस हमारा गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें पहला 5 मिनट का कैंडल यही आपका लॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन किया। और प्रीवियस कई एग्जांपल में आप एक चीज गौर कर सकते हैं, हम जो ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं वो फर्स्ट कैंडल के बेसिस पे ही ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं, यानी काफी हद तक फर्स्ट कैंडल ही हमें बता देता है कि हमें ट्रेडिंग पोजीशंस कैसे इनिशिएट करना है, नहीं तो हम बहुत कम बार सेकेंड कैंडल का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सेकेंड कैंडल का हेल्प कब लेना, जब मार्केट आपका ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे अभी हो, अभी मार्केट का अप ट्रेंड है। अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड भी आएगा फिर भी आपको क्या होगा, जो पहला कैंडल है वही काफी हद तक हमें बता देगा कि मार्केट में क्या करना है, क्योंकि
बहुत सारे लोग फर्स्ट 5 मिनट में एंट्री करके अपने आप को अर्ली एंट्री करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें इंडिकेशन मिल जाता, नहीं तो आप कंफर्मेशन के लिए सेकेंड कैंडल का भी वेट करते हुए मार्केट में ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं इंट्राडे में 5 मिनट वाले चार्ट को यूज करते हुए। इसी के लिए हमें पहला 2 से 3 कैंडल इंपॉर्टेंट है अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करके अर्ली मार्केट में एंट्री करके प्रॉफिट सिक्योर करना चाहते हैं। तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिल सकता है लेकिन हम प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या हो रहा है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा, क्योंकि इसके बाद 2-3 कैंडल इसी के अंदर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज अगर आप देखेंगे, इन सारे कैंडल के हाई को ज्वाइन करें ये होता है और लो को ज्वाइन करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का भी फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। मतलब दो चीज हो रहा है, इनसाइड बार पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और यहाँ पे प्राइस में हमें कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा। और प्राइस का नेचर क्या होता है, मूव करना, जैसे वाटर का नेचर होता फ्लो करना, वैसे ही प्राइस का नेचर होता मूव करना। तो इसको हम ज्यादा देर तक बांध के नहीं रख सकते, अल्टीमेटली क्या आएगा, ब्लास्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये ब्लास्ट कहीं भी हो सकता है, ऊपर जाता तो बाई करते, लेकिन यहाँ पे नीचे आया, रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया, कंफर्मेशन मिलते ही यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में काम करेगा, फिर प्रीवियस डे का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, पहला टारगेट प्राइस, फिर उसके बाद ग्रेजुअल हम नेक्स्ट टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, तो अगर हम पहले एग्जिट नहीं किए हैं तो फाइनली यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो 4-5 ऑप्शंस हमारे सामने है उसको ध्यान में रखते हुए हम बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप इसी स्ट्रेटजी को चाहो तो निफ्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इसके लिए निफ्टी के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।